हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर से रिलेटेड एक जबरदस्त सीरम जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। जी खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा, ये सीरम जो है आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा, साथ में एक्नी की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा, पिगमेंटेशन वगैरह अगर हो रही है तो उसको कम करेगा, क्योंकि ज्यादा ड्राइनेस की वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। या फिर सर्दियों में ये होता है कि हमने थोड़ी सी ठंड लगती है तो जैसे ही सूरज आता है हम जाके उसके सामने बैठ जाते हैं तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि सीरम आपने बनाना किस तरह से है और अप्लाई किस। इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। कोकोनट ऑयल जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करता ही करता है, साथ में आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तकरीबन ये हर स्किन टाइप के लोगों को सूट करता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल जो है आपकी स्किन के ऊपर से हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और साथ में अगर आपकी स्किन सन की वजह से डैमेज हो चुकी हुई है तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है, और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। सर्दियों में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पानी वगैरह बहुत कम पीते हैं तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर पम्पकिन सीड ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्किन के ऊपर एक्नी वगैरह है तो उसके निशान को कम करने में बहुत हेल्पफुल है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है सर्दियों के लिए। उसके बाद विटामिन ई तो हर चीज़ में तकरीबन यूज़ होता है, और विटामिन ई जो है आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, और साथ में अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। विटामिन ई के कैप्सूल हर जगह से मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक शॉप से भी और मेडिकल स्टोर वगैरह से भी। उसके बाद यहाँ पे मैं टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा, लेकिन इसके ड्रॉप्स आपने कुछ ही डालें क्योंकि ये एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आपकी स्किन के ऊपर कभी कभी दाने निकलते हैं तो आप इसको फिर भी ऐड कीजिए क्योंकि यह आपकी स्किन के ऊपर से एक्नी को रिमूव करने के साथ साथ निशान को भी ख़त्म करता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लेवेंडर ऑयल ऐड किया ताकि लेवेंडर ऑयल जो है आपकी थोड़ा सा आपको फ्रेश रखता है और आपके मूड को अच्छा रखता है, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जो जार था खाली उसके अंदर मैंने ऐड किया यहाँ पे ये गेंदे के फूल जो कि आजकल वेदर है इजीली मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और फूल के भी जो पत्तियाँ वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बना ली है क्वांटिटी, आप देख लो इतनी सी मैंने अभी फिलहाल के लिए बनाई है। आप एक दफा इससे भी कम क्वांटिटी बना के चेक कर लीजिएगा अपने फेस के ऊपर, वैसे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑयल है, सब ऑयल है तो आपको कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी मैं भी किसी को कोई ऑयल सूट ना करता हो तो वो उसको स्किप करके बना के चेक कर ले एक दफा मुंह के ऊपर, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपके फेस पर सूट कर रहा है या नहीं। अदरवाइज अगर आपको गेंदे के फूल से प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर गुलाब के फूल की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरम जो है बन चुका है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे एक क्वेश्चन आया था जी लास्ट वीडियो में कि जी हमारी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हाँ जी जी, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी स्किन खुद इतनी सुपर ऑयली ऑयली है, इतनी सुपर ऑयली है कि सुबह उठ के इसके ऊपर से एक पराठा बना सकते, इतनी ऑयली मेरी स्किन है। तो आप लोग भी, अगर ऑयली स्किन है, मजाक कर रही हूँ, ऑयली स्किन है तो आप जरूर अप्लाई करें कोई अच्छा सीरम, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर। जरूरी नहीं है, ऑयली है तो आप कुछ भी मत अप्लाई करें। उससे क्या होता है, ऑयली स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारी आईज के अंडर आईज रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अच्छा सा ऑयल, कोई भी अच्छा सा सीरम जो है अपने स्किन पे अप्लाई करें। अगर सूट नहीं कर रहा तो चेंज करके अप्लाई करें, लेकिन लाजमी अप्लाई करें। चले जी, बातें बहुत हो गई, अब मैं बता दूं इसको आपने अप्लाई कैसे करना। अच्छा, अगर आपके पास डार्क कलर की बॉटल है, लाइक ब्लैक कलर की या इस तरह की बॉटल है, तो वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसमें बनाया, क्योंकि जितनी डार्क बॉटल होगी उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपने ये सीरम बना लिया, अगर नहीं है बॉटल इस तरह की तो खैर है, इस तरह की नहीं है, इसी तरह की बना के आपने क्या करना है कि कोई भी ब्लैक कपड़ा जो है इसके इर्द गिर्द फोल्ड करके इस तरह से पूरी रात के लिए रख देना है। देन आपने सुबह, अगर धूप है, हल्की हल्की धूप है, तेज धूप है, उसमें आप इसको थोड़ी देर के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें, देन आप इसको यूज करना शुरू कर दें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख के यूज करना शुरू करें, लेकिन ख्याल रखें जब भी आप सीरम की बॉटल वॉश करें या कुछ भी करें इसके अंदर पानी ना हो, आपका सीरम खराब हो सकता है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, ये देखें जी,
इस तरह का। अब हमने जब भी रात को अप्लाई करना चाहते हैं रात को अप्लाई कर ले, अगर आप रात को नाइट क्रीम यूज करते हैं तो आप दिन में ये सीरम अप्लाई कर ले। आपने एक से दो ड्रॉप जो है इस तरह से डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी हाथ पे लेके इसको थोड़ा सा इस तरह से करके भी डैब डैब करके अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऐसे 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 करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट स्किन के ऊपर एक दो ड्रॉप डाल के इस तरह से इसको 2 मिनट के लिए मसाज करें और उसके बाद इसको छोड़ दें। सारा दिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सारे दिन के लिए छोड़ दें, अदरवाइज अगर आप रात में अप्लाई करना चाहते हैं तो रात में इसको यूज करें। अच्छा एक और बात, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई चीज सूट नहीं करती, तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करें इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा, देन आप अप्लाई करो, लेकिन रिजल्ट इसके फिर भी सेम ही मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल अगर नहीं सूट करती तो आप ये सीरम अप्लाई करें, अगर एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सूट करती है तो आप ऐड कर ले, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल। बाय बाय।